हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन भोपाली में। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आया हूँ एक शादी में। आपको पूरी नाइट की और डे की पूरी जो है शादी में आपको दिखाऊंगा, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, मैं आया हूँ अपना अरवलिया के अंदर एक दरबार गार्डन, उसके अंदर आया हूँ और इधर बहुत सारे आम ही आम लग रहे हैं। तो चलो मैं पूरा आपको पूरा ए टू जेड प्रोग्राम दिखाऊंगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको। गाइस देख सकते हैं कितनी केरियाँ लटक रही हैं, बहुत सारी केरियाँ लटक रही हैं क्योंकि जितने दिख रहा ना सभी पेड़ों के ऊपर केरियाँ लटक रही हैं। ये देखिए पूरे में केरी हैं, पूरे आम के पेड़ लग रहे हैं। गाइस मैं दिखाता हूँ आपका आगे का लुक कैसा है देखने में, और जो गार्डन है वो भी दिखाता हूँ और जो बिल्डिंग है वो भी दिखाता हूँ कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बताएं। और चलो फिर दिखाता हूँ आपको। खाने पीने का इंतजाम कर रहा है दिन का, चलो चलते बाहर बैठते हैं। सो गाइज मैंने आपको दिखाया और अभी मैं आया घर से, इनका जो बर निकासी होती है वो करके आए हैं और गार्डन में आज पैरावनी है, फिर इसके बाद सगाई है और सगाई के बाद फिर रात के टाइम बारात निकलेगी स्टेज, फिर मंडप के नीचे जो फेरे वेरे होंगे वो, और सुबह विदाई है। तो काफ़ी प्रोग्राम अभी रहे हैं और अभी तो फिलहाल नाश्ता पानी चल रहा है और अब देख रहे कितने बजे से पैरावनी शुरू होगी कि सगाई करेंगे, देखते हैं क्या प्रोग्राम चलता है। और ये चीज़ अच्छी है इधर के लड़की वालों को शायद बुलवा लिया है, तो लड़की वाले भी इधर ही हैं, आए हैं तो यहीं पे ही दोनों हैं, ऊपर लड़की वाले हैं और नीचे लड़के वाले हैं, तो दोनों यहीं हैं। अब सावितरी का रहेगा पूरा प्रोग्राम। आजकल ये अच्छा हो गया है कि लड़की वाले या लड़के वाले जो भी है एक जगह चले जाते हैं और दोनों एक ही में गार्डन के अंदर या होटल जो भी कर लेते हैं, तो वो एक ही के अंदर ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही के अंदर ही सब पूरे गार्डन में या होटल में पूरी शादी हो जाती है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो जो बचना चाहता है भागा दौड़ी से वो ऐसा कर सकता है, बाकी तो जैसी जिसकी श्रद्धा जैसा चाहो वैसा कर सकता है आदमी। देखते हैं अभी तो बैठे हैं क्या चलता है, बताते हैं आपको। छाए के अंदर केरी वेरी लटक रही है। गाइस मैं आपके इधर बैठ गया हूँ और अभी प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो देखते हैं कितनी देर में शुरू होता है, बाकी पब्लिक धीरे धीरे आ रही है, देखते हैं क्या होता है। गाइज प्रोग्राम हो गया है, गोद भराई लड़की की हो गई है और अब लड़कों की करेंगे। अभी खाना पीना चल रहा है, जब तक के थोड़ा घूम लेते हैं, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा पेड़ ही पेड़ लग रहा है, तो छाएं वाएं हैं बहुत सारी, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज यहाँ से मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं जाता हूँ थोड़ा लाइटें उठाने और थोड़ा बेटी बेटी भी चार्ज होनी है, तो
चार्ज भी हो जाएगी बैटरी, और थोड़ा लाइटें लेके आने वो भी लेके आ जाता हूँ। मजा देखिए दाइज उतर रहा है यहाँ पे। तो चलो फिर चलते, लाइटें लेके आते हैं। और हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि गर्मी में भी बरसात हो रही है और फिर पसीना पसीना बहुत मतलब बेकार है। तो चलो फिर चलते हैं। आज देख सकते हैं सामने रात में कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही लाइट लाइट दिख रही है उसमें। और देख सकते हैं स्टॉल लग गए हैं। स्टेज देख सकते हैं सामने लगा हुआ है। गाइस घर से मैं लाइट वाइट लेके आ गया हूँ और लगाते हैं स्टेज पे, जहाँ स्टेज पूरा हो चुका है, खाना पीना सब लग चुका है। अब देखते हैं कितनी देर में बारात निकलती है, फिर चलते हैं बारात में। मस्त बाल उड़ गए मेरे, अभी हेलमेट लगा था इसलिए बाल उड़ गए। दिखाता हूँ आपको, आज देख सकते हैं कितना मस्त सजाया है। और देख सकते हैं पूरे ग्राउंड को कितना अच्छा सजाया हुआ है। बहुत अच्छा सजाया हुआ है। स्टेज से सब तैयार हो गया है और पूरा जो ग्राउंड है पूरा सज गया अच्छी तरह से, मस्त सब दूल्हा तैयार हो रहा है ऊपर। और देखते हैं कितनी देर लगती है उनको तैयार होने में, फिर बारात बारात निकलेगी और देखते हैं कितना टाइम लगता है। और गैलरी देखी आपने कितनी मस्त सजाई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइज एक मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा फ़ोटो सही नहीं आ पाते, वीडियो सही नहीं आ पा रही है। हो सके कुछ टाइम में मैं मोबाइल चेंज करूँगा और थोड़ा दूसरा लूँगा मोबाइल। बताइए आप कौन सा लेना चाहिए। एक मन कर रहा है वन प्लस लें और एक मन कर रहा है आईफोन का, तो आप बताइए कौन सा लेना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप तो, के कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या वीडियो सही नहीं, क्या वीडियो बन नहीं पाती, अभी भी देख रहे हैं कि ग्रेन्स कितने फट रहे हैं उसके अंदर। तो कमेंट करके बताएं आप कि कैसा मोबाइल लेना चाहिए, आईफोन लें कि वन प्लस लें। बारात निकालने के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कितना मस्त सीलिंग लगी है, बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइस दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं बारात के लिए। तो पीछे आप देख सकते हैं दूल्हे राजा खड़े हुए हैं, और फिर चलते हैं बारात की ओर, प्रस्थान करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सर्किट लगा रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सजाया हुआ। Oh, my God.
गाइस फाइनली स्टेज सब खत्म हो चुका है, सामने स्टेज पे भी कोई नहीं है। सो गाइस फाइनली स्टेज हो चुका है, अब क्लोजअप लेने की बारी है, तो अभी क्लोजअप लेते हैं। अब लोकेशन ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कौन सी अच्छी लोकेशन होती है, तो उधर फोटो खींचते हैं। और अभी गया दूल्हा खाना खाने के लिए, और दुल्हन का थोड़ा बहुत मेकअप हो रहा है, और लेते हैं क्लोजअप यहीं पे। यही समझ में आ रहा है, बाकी टोटल खाली हो चुका था, अब सिर्फ मंडप की तैयारी है और क्लोजअप की तैयारी है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा मंडप के नीचे जाने में। तो गाइस दूल्हा दुल्हन के क्लोजअप हो चुके हैं, और अब मंडप के नीचे आ रहे हैं, अब मंडप की तैयारी हो रही है, दुल्हन को गोद भरेंगे। तो आ गए हैं मंडप के नीचे, दिखाते हैं आपको। आज ये मंडप है, इसके नीचे दुल्हन बैठेगी, और सामने सामान रख के उनका गोद भरेंगे दुल्हन की। तो हम भी बैठे हुए हैं। तो गाइस गांव में ऐसा होता है कि थोड़ा शर्माते भी हैं, तो रूम में लिए तो रूम में भी फिर भी नहीं कर पाए क्लोजअप, और बहुत ही मुश्किल से क्लोजअप दिए हैं। तो ठीक है, जैसे आए वैसे ले लिए हैं, और अब अलग अलग चले गए हैं, लड़का अपने रूम में, लड़की अपने रूम में, और हम बैठे हैं मंडप के नीचे। ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं मंडप के नीचे, बाकी तो जल्दी जल्दी कर रहे थे काफ़ी। ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं, क्या है क्या नहीं। अब सिर्फ हवन हो रहा है, और अब सिर्फ विदाई की तैयारी होगी, देखते हैं कितने बजे तक विदाई होती है, सुबह होती है या अभी होती है। क्योंकि मैं जाके देख के आ चुका हूँ नहीं अभी नहीं, पहले गया था ना तब बोलो कुछ बोलो पूरी रस्म रिवाज हो चुका है मंडप के नीचे, मंडप के नीचे से दूल्हा दुल्हन जा चुके हैं, सब हो चुका है फाइनल, अब से विदाई की तैयारी है, सब बैठे हुए हैं इधर। तो गाइस सब फ्री हो चुके हैं, अब देखते हैं कितनी देर से विदाई होगी, और यहाँ से सब फ्री हो गए हैं, दूल्हा दुल्हन भी जा चुके हैं इधर से, और हम फ्री सब फ्री बैठे हुए हैं। अब देखते हैं एक डेढ़ घंटे में कितनी देर में विदाई होगी, जब तक के फालतू बैठना पड़ेगा। सो गाइस विदाई की तैयारी हो रही है, और पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। सो गाइस देख सकते हैं नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है सुबह सुबह का, पूरा खाली पड़ा हुआ है, नीचे चल रहा है नाश्ता। सो गाइस फाइनली विदाई हो चुकी है, और टाइम हो रहा 7:15 विदाई हुई है, तो ये बढ़िया रही है कि 8-9 नहीं बजा, क्योंकि 8-9 बजे तक बहुत ज़्यादा घाम हो जाता है, और वैसे भी मौसम हो रहा है थोड़ा बादल, तो हुए नहीं है घाम, तो बड़ी अच्छा रही है कि ज़्यादा घाम नहीं निकली है, नहीं तो बहुत बेकार लगता है। तो जल्दी हो गई विदाई, बहुत अच्छा रहा, 7:13 हो रहा है। तो ठीक है गाइज, बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, जय हिंद। सो गाइस फलों के साथ लेते हैं विदाई, क्योंकि इधर आम ही आम लटक रहे हैं।